अजमेर में रोडरेज की दो वारदातें सामने आई हैं। इन वारदातों में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि तीन अन्य युवक घायल हैं। पहली वारदात जनाना अस्पताल के निकट चाची आवास रोड पर हुई जिसमें एक बेकाबू पिकअप जीप चालक दो बाइकों पर सवार चार युवकों को टक्कर मारकर मौके से भाग निकला। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। उधर दूसरा हादसा पुराने आरपीएससी भवन के सामने डिवाइडर पर घटित हुआ। यहां बेकाबू कार चालक ने डिवाइडर पर सो रहे खानाबदोश युवक को कुचल दिया। हादसे के बाद कार सवार जयपुर के दो युवक अपनी कार मौके से भगाकर ले गए। आसपास के लोगों ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। उधर जनाना अस्पताल के पास चाची आवास रोड पर हुए हादसे के बाद भी लोग भड़क उठे। उन्होंने वहां स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग लेकर हंगामा कर दिया। क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने बेमुश्किल उन्हें शांत किया। ग्रामीणों का कहना था कि यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं, ऐसे में स्पीड ब्रेकर बनाकर बेकाबू वाहनों पर लगाम कसनी चाहिए। यहां बेकाबू लोडिंग पिकअप चालक ने तीन गायों को टक्कर मारते हुए दो बाइकों को भी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद में पिकअप चालक वहां से भाग निकला। एक बाइक तो उसकी पिकअप में फंसकर करीब आधा किलोमीटर दूर तक घिसटती चली गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो चुकी है जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में बस्सी पीलवा निवासी बुधराज की मौत हो गई है जबकि उसका साथी सोनू राय का गंभीर रूप से घायल है। इसके अलावा दो अन्य युवक भी जख्मी हुए हैं। घायल सोनू ने पुलिस को बताया कि वह और बुधराज चाची आवास रोड पर 200 फीट बाईपास स्थित शिवजी चौराहे पर सड़क किनारे बाइक लेकर खड़े थे। उसी दौरान यह पिकअप चालक तेज गति में वाहन चलाता हुआ आ रहा था। अचानक सड़क पर गाय आ जाने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गायों को टक्कर मारते हुए उनकी बाइक से जा टकराया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही मौके पर जाम लगा दिया। पुलिस ने काफ़ी देर मशक्कत करने के बाद जाम तो खुलवा दिया लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आगामी दो तीन दिन में अगर यहां स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए गए तो आसपास के तीन गांवों के सरपंचों के नेतृत्व में यहां धरना दिया जाएगा। साथ ही जाम लगाकर वाहनों की आवाजाही ठप कर दी जाएगी। प्रत्यक्षदर्शी जय सिंह रावत ने बताया कि पिकअप की चपेट में आकर दो गायों की भी मृत्यु हो चुकी है। यहाँ आए दिन होने वाले हादसों को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है।